अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हमने इक्वल मैट्रिसेस को अंडरस्टैंड करना है। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इक्वल का जो मतलब होता है वो होता है बराबर। जब भी हम इक्वल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बराबर। तो मैट्रिसेस की बात हो रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि हम इक्वल मैट्रिसेस को डिफाइन करने जा रहे हैं। डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। ए और बी हमारे पास मैट्रिसेस हैं। देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। फिर हम मैट्रिक्स ए को कब इक्वल कहेंगे बी के, एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल्स टू बी। इक्वल का जो साइन है ए और बी के मिड में वो हम यूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब ये दो कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होंगी। ए और बी जो हमने मैट्रिसेस पोज किए हैं, अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों इक्वल हैं। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर को डिस्कस किया था कि ऑर्डर जो है किसी मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का पता होना जरूरी है। अगर हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के बारे में कंफर्म है तो हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने ए का ऑर्डर चेक करना है, बी का ऑर्डर चेक करना है, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन क्या है? Their corresponding entries are equal. दोनों मैट्रिसेस की जो corresponding entries हैं वो equal होनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए। Corresponding entries का क्या मतलब है? आमने सामने, मतलब first place पर जो entry है वो second matrix के first place पर होनी चाहिए। जो सेकंड प्लेस पर एंट्री है वो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड प्लेस पर ही होनी चाहिए। ये होता है कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज। डेफिनेशन इक्वल मैट्रिसेस की कंप्लीट हुई। अब हम इसकी एग्जांपल लेकर चेक करते हैं कि टू मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। एग्जांपल नंबर वन स्टार्ट करते हैं। टू मैट्रिसेस मैंने सपोज किए हैं, ए इज इक्वल्स टू 1, 3, -4 एंड 2। बी इज इक्वल्स टू 1, -4, 2+1 एंड 4, -2। टू मैट्रिसेस पोज किए हैं, अब हमने ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अभी रिसेंटली हमने जो डेफिनेशन अंडरस्टैंड की है उसको यूज करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। टू कंडीशंस हमने स्टडी की हैं डेफिनेशन में, वो कौन सी हैं? एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और नंबर टू कंडीशन क्या है कि इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। फर्स्ट हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ऑर्डर हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट किया था कि ऑर्डर क्या होता है, एम बाय एन। एम बाय एन इसके थ्रू हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। एम का क्या मतलब है? रोज। और एन का क्या मतलब है? यहां पर कॉलम्स। मैट्रिक्स ए का हम ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी रोज चेक करेंगे, कितनी रोज हैं? 1, 2, 2 रोज हैं, 2 बाय। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स चेक करेंगे, वर्टिकल लाइंस कॉलम्स होती हैं, 1 एंड 2, 2 ही कॉलम है। ए का ऑर्डर क्या बना? 2 बाय 2। इसी तरह से हम बी का ऑर्डर फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, कितनी रोज हैं। रोज होती क्या है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं लेफ्ट टू राइट, ये रोज होती हैं, 1 एंड 2, इसमें भी 2 रोज हैं, बाय। कॉलम्स कितने हैं? जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होते हैं, 1 एंड 2, इसमें 2 ही कॉलम्स हैं। ऑर्डर जो है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का वो सेम है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। उसमें क्या था कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ
बी के। अब सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे इक्वल मैट्रिसेस के लिए, वो क्या है कि इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं दोनों मैट्रिसेस की वो सेम होनी चाहिए। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, फर्स्ट प्लेस पर वन है, यहां पर भी फर्स्ट प्लेस पर वन है इसके कोरिस्पॉन्डिंग, सेकेंड प्लेस पर थ्री है और इसके सेकेंड प्लेस पर टू प्लस वन थ्री, ये भी सेम है। फर्स्ट प्लेस पर माइनस फोर है सेकेंड रो में और इसकी सेकेंड रो में भी फर्स्ट प्लेस पर माइनस फोर है, मतलब सेम है। सेकेंड प्लेस पर टू और इसकी सेकेंड प्लेस पर फोर माइनस टू, इट मीन्स टू। इसकी जितनी भी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी, एंट्रीज भी कह सकते हैं एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, वो सेम है इसका। और सेकेंड कंडीशन है क्या, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए था वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के, मतलब हमने एग्जाम्पल से डेफिनेशन को वेरीफाई कर लिया कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब उनकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, एक तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो भी सेम होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाए तो हम कहते हैं कि दो मैट्रिसेस जो हमने सपोज किए थे वो इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।